भेड़िया और सात बच्चे। एक समय की बात है, एक प्यारा सा भेड़िया खिलौना था जिसका नाम था जिपी। जिपी एक भरा हुआ खिलौना था जो छोटे बच्चों को सोने में मदद करता। वो उनके गर्म प्यार भरे आगोश को महसूस करता, सोने के समय की कहानियों को सुनता जो उसके कान के पास फुसफुसाए जाते थे, और जब बच्चे बड़े हो जाते वो उसे किसी दुकान में फेंक आते और कोई और बच्चा उसे घर ले जाता। ऐसा कई सालों तक चलता रहा। जिप्पी की इच्छा थी कि वो एक असली भेड़िया बन जाए, और एक रात आकाश में एक परी ने उसकी उदास आंखों को देखा और उसकी दिल की तमन्ना को सुन लिया। और जब जिप्पी एक अलमारी को टेक कर बैठा था, चांदनी रात में एक जादुई परिवर्तन हुआ। उसके मुलायम बाल खुरदरे गुच्छे बन गए, उसके पंजे बड़े और भारी हो गए, और उसके पेट के ऊपर एक चमचमाती जिपर लग गई। वो एक असली भेड़िया बन गया, हाँ, लेकिन एक अजीब भेड़िया जो अपने अतीत को आसानी से भूलने वाला नहीं था। जिंदा होते ही अपनी आजादी का जश्न मनाने के लिए वो पास के जंगल में भाग कर गया। वो सर्द हवा का मजे ले रहा था जो उसके बालों को छू रही थी। जिंदगी में पहली बार एक असली भेड़िए की तरह वो चांद को देखकर चिल्ला रहा था। बड़ा मजा आया। तो असली भेड़िया होना इसे कहते हैं। पर मुझे भूख लगी है, मेरा पेट खाने के लिए तड़प रहा है। जैसे ही जिप्पी खुद को अच्छे से जानने लगा था, उसने घास को खाने की कोशिश की और तुरंत उसने उसे थूक दिया। उसकी नाक में एक तरह के खुशबू को पकड़ा और वो उसका पीछा करते करते एक छोटी सी कुटिया तक पहुंचा, जहां एक माँ बकरी अपने सात बच्चों के साथ रहती थी। मैं राशन का सामान खरीदने बाजार जा रही हूँ, कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। याद रखना, मैंने सुना है कि एक दुष्ट भेड़िया यहीं कहीं आसपास भटक रहा है। हाँ माँ, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? अगर कोई दरवाजे पर दस्तक दे तो? मैंने सुना है वो काला है और उसके डरावने पंजे हैं, बहुत ही बुरी आवाज है। अगर वो आएगा तो दरवाजा कस के बंद रखना। और याद रखना बच्चों, भेड़िये बहुत ही चालाक भक्षक होते हैं। कहते हैं कि वो अपने शिकार को बेवकूफ बनाते हैं और उन्हें खा जाते हैं। माँ बकरी के शब्द बहुत ही काम के थे, क्योंकि जब वो एक पड़ोसी को उस भेड़िये के बारे में बता रही थी, जिप्पी भेड़िया जिसने गरीब का भेष बदला था वो आस पास ही था और उनकी हर बात सुन रहा था। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर मम्मी बकरी बाजार जा रही है तो मैं घर जाकर उसके बच्चों से मिलकर आऊंगा। फिर बिना समय बर्बाद किए वो बकरी की कुटिया में पहुंच गया। वहां उसने भेष को उतार कर फेंक दिया। फिर वो गहरी आवाज में गुर्राया, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, मैं मम्मी हूँ, मैं अभी अभी बाजार से आई हूँ, दरवाजा खोलो। जब बच्चों ने उस गहरी आवाज को सुना, उन्हें अपनी माँ की चेतावनी याद आई दरवाजे के पीछे से। हमें पता है तुम कौन हो, तुम वो भेड़िये हो। हमारी माँ की आवाज बहुत प्यारी है, तुम्हारी तरह गहरी और डरावनी नहीं है। चले जाओ, हम तुम्हारे लिए दरवाजा कभी नहीं खोलेंगे। और हालांकि भेड़िया दरवाजे को गुस्से से पीट रहा था, बच्चे जो डरे हुए थे उन्होंने उसे घर के अंदर आने नहीं दिया, और इस तरह दरवाजा बंद ही था। तभी भेड़िये को एक प्लान सूझा। वो केक की दुकान में गया और एक बड़ा सा केक लिया जो शहद से लथपथ था। उसे लगा इससे उसकी आवाज मीठी हो जाएगी। दरवाजा खोलो। बच्चों, मैं मम्मी, दरवाजा खोलो। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ, बाहर आओ, देखो मैं क्या लाई हूँ। दरअसल केक खाने के बाद उसकी आवाज इतनी गहरी नहीं थी। बार बार लगातार
वो माँ बकरी की आवाज की नकल कर रहा था। पता है, उसने जंगल से आवाज सुनी थी। जब उसे यकीन हुआ कि वो पूरी तरह माँ बकरी की आवाज निकाल सकता है, वो वापस उस कुटिया और उन 7 बच्चों के पास भाग कर गया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं मम्मी हूँ, मैं अभी अभी बाजार से आई हूँ, ये सामान बहुत भारी है, इसे अंदर लाने में मेरी मदद करो। इस बार बच्चों को शंका हुई। आवाज तो माँ की तरह ही लग रही थी और वो दरवाजा खोलने ही वाले थे कि उसमें से एक बच्चे ने पूछा, माँ हमें अपने पैर दिखाओ। बिना सोचे भेड़िये ने अपने काले बालों से भरा पैर दिखाया और बच्चे समझ गए कि भेड़िया वापस आ गया है। और पास मत आना, तुम हमारी माँ नहीं हो, उनके पास तुम्हारी तरह डरावने बालों से भरे पैर नहीं है। चले जाओ बुरे भेड़िये। और एक बार फिर इतनी मेहनत के बावजूद भेड़िया दरवाजे खुलवाने में नाकामयाब रहा। भेड़िया चक्की की दुकान में गया और उसे मैदे का एक थैला दिखाई दिया। उसने अपने पैरों को उसमें डाला जब तक वो सफेद नहीं हो गए। इस बार मैं कामयाब होऊंगा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और मेरी पतलून मेरी कमर से खिसक रही है, मैं इन्हें कच्चा खा जाऊंगा। एक बार फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलो बच्चों, मम्मी आ गई, मैं अभी अभी बाजार से आई हूँ, थैलों में बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, तुम में से एक बाहर आओ, मेरी मदद करो निकम्मो। इस बार चालाक भेड़िये ने सही तरीके से माँ बकरी की आवाज निकाली। आवाज उसकी तरह ही लग रही थी, लेकिन बच्चों ने एक बार फिर से उन पैरों को देखना चाहा। माँ, हम आपके पैर देखना चाहते हैं। चालाक भेड़िये ने अपने दूध की तरह सफेद पैर दिखाए और बच्चे, जिन्हें अब यकीन हो गया था, उन्होंने दरवाजा खोला। उन्हें एक सदमा पहुंचा, बहुत बड़ा जबड़ा और नुकीली दांतों ने उनका स्वागत किया। भेड़िया अपने पंजों का इस्तेमाल करके अपने शिकार के पीछे दौड़ा। बच्चे घबरा कर यहाँ वहाँ भागने लगे। एक टेबल के नीचे छुप गया, दूसरा बिस्तर के नीचे छुप गया, एक बच्चा अलमारी में छुप गया और दूसरे ने भट्टी के अंदर छुपने की कोशिश की, हालांकि भट्टी अब भी गर्म थी। एक बच्चा बैरल के अंदर छुप गया। सबसे समझदार बच्चा दादाजी की घड़ी के अंदर छुप गया। वहाँ अंदर वो छुपा रहा अपनी सांसें रोक कर, जब भेड़िया उसके भाइयों का शिकार कर रहा था। एक एक करके बच्चों को उनके छुपने की जगहों से बाहर निकाला जा रहा था उसे छोड़कर। शैतान भेड़िये की भूख तब तक नहीं मिटी जब तक उसने एक एक बच्चे को ढूंढकर उन्हें निगल नहीं लिया। सिर्फ एक ही बच्चा बच गया और वो था एक नन्ना सा काला बकरी का बच्चा। उस भेड़िये ने सोचा भी नहीं था कि कोई उस छोटी सी दादाजी की घड़ी के अंदर कैसे छुप सकेगा। इस बीच माँ बकरी बाजार से वापस आ गई। दूर से ही उसने देखा कि दरवाजा खुला पड़ा था। वो भागकर अंदर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, वो बहुत डरी हुई थी। ओह नहीं, मेरे प्यारे बच्चे, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे प्यारे बच्चे। उसका डर सही साबित हुआ। जब वो घर के अंदर आई, उसने देखा कि पूरे घर में पंजों के निशान थे और उसका सामान चारों ओर फैला हुआ था। दुष्ट भेड़िये ने उसके सभी बच्चों को निगल लिया था। वो एक कुर्सी पर बैठी और फूट फूट के रोने लगी, लेकिन जब वो रो रही थी, घड़ी का दरवाजा खुला और काला बकरी का बच्चा बाहर आया। माँ माँ, बहुत बुरा हुआ, जैसा आपने कहा था वो भेड़िया आया और उसने मेरे सभी भाइयों को खा लिया। ओह माफ करना मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ तुम ही बच गए, उस शैतान भेड़िये ने सबको खा लिया। कुछ देर बाद माँ बकरी और उसका बेटा बगीचे में टहलने के लिए निकले। अचानक उसे किसी के सांसों की आवाजें सुनाई दी। कोई खर्राटे ले रहा था। ये वही लालची भेड़िया था। उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया था और इसीलिए वो सो गया था घोड़े बेचकर। माँ बकरी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, दांतों को पीसते हुए, लेकिन जल्दी से उसका ध्यान किसी चीज पर गया।
उसने देखा कि उसके पेट पर एक बड़ा जिपर लगा हुआ था। उसने एक बार फिर से देखा और नहीं, वो उसके कपड़े नहीं थे, ये उसकी त्वचा पर था। ये जिप्पी भेड़िया था। उसी वक्त माँ बकरी को एक आइडिया आया और उसने अपने बेटे से कहा, जल्दी लेकिन चुपचाप भाग कर जाओ और थोड़े बहुत पत्थर लेकर आओ। चुपके से जाओ और घबराओ मत, तुम्हारी माँ यहाँ है, हम ये कर सकते हैं, अब जाओ। एक बार जब काला बकरी का बच्चा पत्थर इकट्ठा करने में व्यस्त था, तो माँ बकरी भेड़िए के पास गई और उसने उसके पेट के जिपर को खोला। जैसा उसने सोचा था, उस शैतान ने हर बच्चे को पूरी तरह खा लिया था, जिसका मतलब वो अभी भी जिंदा थे और ठीक थे उसके पेट में। एक एक करके वो भेड़िए के पेट से बाहर निकले। बच्चों, चुपचाप जाकर अपने भाई की मदद करो, वो पत्थर इकट्ठा कर रहा है। कंकड़ पत्थर जो भी तुम्हें मिले उसे लेकर आओ, जाओ और जल्दी से आओ, पर खामोशी से, हाँ, जरा से भी फिक्र मत करना, मैं यहीं पर हूँ। कहाँ है वो? उस झाड़ी के पीछे, देखो। ठीक है माँ, आपको देखकर अच्छा लगा माँ। ओ मेरा बच्चा, तुम्हें भी देखकर अच्छा लगा, अब जाओ। जल्दी जल्दी, एक आवाज भी नहीं, माँ की बात सुनो। और बच्चों, उसके जागने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। और फिर माँ बकरी ने भेड़िए के पेट को पत्थर, कंकड़ और छोटे पत्थरों से भर दिया, जो उन नन्ही बकरियों ने इकट्ठे किए थे, और उसके बाद उसे वापस जिप कर दिया। जब भेड़िया जागा तो उसे बहुत प्यास लगी। मेरा पेट कितना बड़ा हो गया है, कुछ ज्यादा ही खा लिया, ये बकरी के बच्चे भी, मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी है। पर जैसे ही भेड़िया पानी पीने के लिए नीचे झुका, पेट में पत्थर भरे रहने की वजह से वो पानी में गिर गया। वजन की वजह से वो सीधे नीचे चला गया। और माँ बकरी और उसके बच्चे खुशी के मारे चिल्लाने लगे, वाह, ये माँ कमाल की हो। आई लव यू माँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ। शैतान भेड़िया चला गया और बच्चे अपनी माँ के साथ जल्दी से अपने घर चले गए, और वो सब हंसी खुशी रहने लगे।